इस लेक्चर में मैं हेरोड मॉडर्न के बारे में डिस्कस करूँगा। हेरोड एंड डोमो मॉडर्न दोनों ही डिमांड साइड मॉडर्न हैं और ये केन्सियन फ्रेमवर्क पे बेस है। जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। हेरोड मॉडर्न, डोमो मॉडर्न बोथ केसेस में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली मींस इंक्रीज इन रियल आउटपुट ओवर टाइम, ठीक है। और ये जो इंक्रीज इन रियल आउटपुट ओवर टाइम जो होगा वो थ्रू प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, बोथ हेरोड एंड डोमो मॉडर्न में। सो स्टार्टिंग पॉइंट है हेरोड मॉडर्न का, ओके, वो है केन्सियन फ्रेमवर्क। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट का एक रोल है, इट जनरेट्स इनकम। केन्सियन फ्रेमवर्क में हमने देखा है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, सो जो आउटपुट में इंक्रीज होता है वो मल्टीप्लायर टाइम चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। सो इन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जनरेट इनकम। जब हम ग्रोथ थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन होता है। सो हमें इन्वेस्टमेंट का डू एंड रोन को देखना होगा। इन द लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एड टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इन्वेस्टमेंट बाय डेफिनेशन मींस एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का ड्यूअल रन को कंसीडर किया गया है। फर्स्ट वन है जनरेट इनकम, सेकंड है इन द शॉर्ट टर्म वंस द इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन, ठीक है, तो वो इनकम जनरेट करता है। इन द लॉन्ग रन इट एड टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ एजुम्पशन देख लेते हैं। जब भी कोई मॉडल हम स्टार्ट करते हैं तो हम लेते हैं फुल इम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कैपिटलिस्ट सिस्टम का बात करें तो टू सेक्टर मॉडल लेके हाउस होल्ड एंड फर्म, तो यहाँ पे कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर्म पार्ट ऑफ माइंड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल निया नहीं जा रहा है, ठीक है, नो गवर्नमेंट और क्लोज इकोनॉमी कंसिडर किया जा रहा है। और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बात कर रहे हैं तो मार्केट ओरिएंटेड आउटकम का हम बात कर रहे हैं, तो नेसेसरी पॉलिसी फॉलो होगा इकोनॉमी में, ठीक है। एक्स एंटी को हम डिजायरेबल भी बोलते हैं एंड एक्स पोस्ट जिसको हम एक्चुअल भी बोलते हैं। तो एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो एक्स एंटी आपका सेविंग ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, नेस भी हो सकता है। एक्चुअल में जो रियलाइज होता है वो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। मॉडर्न में एज्यूम किया गया है कि एक्स एंटी एक्सपोर्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लिया गया है। यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल होता ही है, ठीक है, ये एक एज्यूम्पशन है। इन्वेस्टमेंट सेविंग जो भी लिया जा रहा है वो नेट इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है, तो डिप्रिसिएशन जीरो है मॉडर्न में। वेरिएबल में एडजस्टमेंट होता है तो नो टाइम लैग इन द एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल जो है उसी टाइम पीरियड में एडजस्ट हो जाता है। सेविंग है वो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम होगा, ठीक है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन कंजुम्पशन विल बी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, तो ये एजम्पशन में नहीं लिया गया है। हेरोड ने एसिनेटिव प्रिंसिपल यूज किया है, एसिनेटिव प्रिंसिपल। सो बेसिकली जब आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होता है मल्टीप्लायर टाइम चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब आपका आउटपुट में इंक्रीज होता है देयर इज ए इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैपिटल स्टॉक ऑल्सो, ओके। दिस इज व्हाट वी कॉल एसिनेटिव प्रिंसिपल एंड इट इज सम कॉन्स्टेंट से बीटा, ओके।
एस्टिमेटेड प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब मेरा आउटपुट पे इंक्रीज होता है, ठीक है, देयर विल बी एडिशनल डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। ओके, जो डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स इंक्रीज होता है वो हमें एस्टिमेटेड प्रिंसिपल के थ्रू पता चलता है। ठीक है, सो हेरोड ने ये एस्टिमेटेड प्रिंसिपल मॉडल में यूज़ किया है। अब मॉडल में एज्यूम किया गया है कैपिटल आउटपुट रेशियो कॉन्स्टेंट है। जब कैपिटल आउटपुट रेशियो कॉन्स्टेंट है तो कैपिटल आउटपुट रेशियो ओके मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये जो है चेंज इन कैपिटल और चेंज इन आउटपुट, इसे बोला जाता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, जैसे हम लिखते हैं ICOR। ठीक है, तो इस मॉडल में आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट लिया गया है। जब कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट लिया गया है, अब डिवाइडेड बाय नेबर कर दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल नेबर रेशियो भी कांस्टेंट है। ठीक है, या फिक्स प्रोपोर्शन में यूज हो रहा है इकोनॉमी में। जब कैपिटल नेबर रेशियो फिक्स प्रोपोर्शन में हो रहा है तो आपको फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन मिलेगा हेरोड मॉडल में, अज्विना डोमा मॉडल में। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन को हम नियोंटी प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, जिसका शेप होता है एन शेप। सपोज कैपिटल वन यूनिट और नेबर टू यूनिट आप फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करके 10 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नेबर ले लीजिए, यहाँ कैपिटल ले लीजिए, तो आपको 2 यूनिट ऑफ नेबर चाहिए और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए टू प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर आपका नेबर ज़्यादा होता है से 2 से 4 हो जाता है, ठीक है, आउटपुट नहीं इंक्रीज होगा, आउटपुट अब 10 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा। क्योंकि कैपिटल स्टॉक सपोज फिक्स है 1 पे। ठीक है, और नेबर सपोज मैं बढ़ा देता हूँ 6, अगर कैपिटल स्टॉक फिक्स है तो प्रोपोर्शन जो है मेरा फिक्स है कैपिटल नेबर रेशियो का 1:2। ठीक है, तो आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। तो अगर हम कैपिटल फिक्स करके नेबर इंक्रीज करते हैं आउटपुट सेम रहेगा। सिमिलरली नेबर फिक्स करके 2 पे कैपिटल का क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो मेरा आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। ओके, आउटपुट तभी इंक्रीज होगा जब हम कैपिटल और नेबर फिक्स प्रोपोर्शन में इंक्रीज करें, 4 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 2 यूनिट ऑफ नेबर। 4 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 2 यूनिट ऑफ प्रोड्यूस नेबर, सॉरी 4 यूनिट ऑफ नेबर एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ आउटपुट और 20 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, 20 यूनिट ऑफ आउटपुट। पहला कॉम्बिनेशन क्या था, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल 2 यूनिट ऑफ नेबर कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर एक फैक्टर को फिक्स करके दूसरा इंक्रीज करते हैं आउटपुट चेंज नहीं होगा, वो 10 यूनिट ही रहेगा, तो हमें एंड से प्रोडक्शन फंक्शन मिलता है। ठीक है, आउटपुट पे तभी इंक्रीज होगा जब प्रोपोर्शन इस अमाउंट में इंक्रीज हो कि KN रेशियो कैपिटल नेबर रेशियो रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो नेबर को मैंने 4 कर दिया, कैपिटल को डबल कर दिया। ठीक है, मेरा आउटपुट 10:20 इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन को और नियोंटी प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मिनिमम ऑफ AKBN। ठीक है, अगर मेरा नेबर 4 है कैपिटल 1 है, ठीक है, तो मेरा मिनिमम ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो कैपिटल को कंसीडर करके प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये आपका मॉडल में प्रोडक्शन फंक्शन हुआ। कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स लिया गया है, इसका मतलब है कि कैपिटल नेबर रेशियो भी फिक्स है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट इकोनॉमी में, परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। ठीक है, तो ये एजुम्पशन हुआ मॉडल का। नेक्स्ट, हेरोड ने इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, कि जब ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी में व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन इक्विलिब्रियम, व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन इक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को एडिट करने के लिए हैरोड ने 3 क्वेश्चन रेज किया। रेज बाय हैरोड। हाउ वी कैन अचीव स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में बताता हूँ, हाउ वी कैन मेंटेन स्टेडी स्टेट एंड व्हाट आर द नेचुरल फैक्टर पुट सीनिंग टू द ग्रोथ रेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है जिसमें जो भी एंडोजिनस वेरिएबल है वो कांस्टेंट रेट पे ग्रो करेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, स्टेडी स्टेट इज अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी इज अ डायनेमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें हम लोग टाइम एलिमेंट कंसिडर करते हैं। तो जो स्टेडी स्टेट कंडीशन होता है उसमें क्या होता है कि जो भी वेरिएबल है वो एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करेगा। ठीक है, सो 3 क्वेश्चन जो हैरोड ने रेज किया है कि जब इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चन जो रेज किया हुआ है, हाउ वी कैन अचीव स्टेडी स्टेट, हाउ वी कैन मेंटेन स्टेडी स्टेट, व्हाट आर द नेचुरल फैक्टर पुट सीलिंग टू द ग्रोथ रेट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हैरोड ने 3 डायनेमिक ग्रोथ रेट दिया है। पहला हो गया एक्चुअल ग्रोथ रेट जिसको जी से डिनोट किया है, दूसरा हो गया वारंटेड ग्रोथ रेट जिसको जी डब्ल्यू से डिनोट किया है, तीसरा हो गया नेचुरल ग्रोथ रेट जिसको जी एन से ग्रोथ किया। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट पॉसिबल है। ठीक है, ये सीनिंग पुट करता है इकोनॉमी में ग्रोथ रेट का। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो डिटरमाइन होता है क्वांटिटी ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट से डिटरमाइन होता है। 2 सेक्टर में इनकम क्या होता है, कंजुम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है 2 सेक्टर में, सी प्लस आई। ठीक है, तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो एक्चुअल ग्रोथ रेट हैरोड मॉडल में डिटरमाइन बाय द क्वांटिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, ये जो है मेरा नेट इन्वेस्टमेंट है वो एडिशन टू कैपिटल स्टॉक है। ठीक है, अब बोथ साइड को चेंज इन वाई से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट है बाय अजम्पशन। ठीक है, सो कैपिटल आउटपुट रेशियो मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसके बराबर होगा। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एज होगा ग्रोथ रेट इन आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है इसको सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेशन के बाद आप देखिएगा ग्रोथ इन आउटपुट इक्वल एस ओवर सी, इसको सी टर्म से लिख दीजिएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एक्चुअल ग्रोथ इन द इकोनॉमी और ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड, आप कह सकते हैं ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड। क्यों, क्योंकि ये इक्वालिटी ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट से डिटरमाइन हो रहा है, डिमांड साइड से डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट डिटरमाइन बाय द इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें हैरोड ने एसिनरेटिव प्रिंसिपल यूज किया है। ठीक है, टू डिटरमाइन एक्चुअल ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी, वो क्या है, सेविंग रेट और कैपिटल आउटपुट रेशियो पे आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट को कहते हैं फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो ग्रोथ रेट इकोनॉमी अचीव कर सकता है पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज करके, इसे हम एंटरप्रेन्योर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, इस ग्रोथ रेट को हम जी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसे हम लिखते हैं सेविंग ओवर रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ रेट, सो आउटपुट को हम इस फॉर्म में देख सकते हैं, यह क्या हो गया प्रोडक्टिविटी ऑफ नेबर, आउटपुट पर वर्कर को कहते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ नेबर टाइम्स नेबर, ये कट के वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको नेचुरल ग्रोथ रेट देखना है जो सीनिंग पुट करता है। ठीक है, जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट पॉसिबल वहाँ तक हो सकता है। सो
ग्रोथ रेट निकालना, नोग लेना होगा आपको, नोग ऑफ आउटपुट नेबर रेशियो प्लस मल्टीप्लाईगा साइन में नोग एन, डी ओवर डी टी कर दीजिए। सो ये ग्रोथ इन आउटपुट, ठीक है, जो नेचुरल फैक्टर डिटरमाइन हो रहा है, जी एन लिखते हैं, ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी म्यू लिखते हैं, प्लस ग्रोथ इन नेबर फोर्स एन लिखते हैं, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी जीरो है मॉडर्न सिंप्लीफिकेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, तो नेचुरल ग्रोथ रेट जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट पॉसिबल है इकोनॉमी में वो इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ नेबर फोर्स है, ठीक है, और ये हमें सीलिंग प्रोवाइड करता है, इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो तीन डायनेमिक ग्रोथ दिया है हैरोट ने, ठीक है, उसने डिटरमाइन किया है स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम आज ए कंडीशन वेयर एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल वारंटेड ग्रोथ रेट इक्वल नेचुरल ग्रोथ रेट। जब ये तीनों ग्रोथ रेट इक्वल होता है आपको स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट इकोनॉमी में होगा, ठीक है, जी इक्वल जी डब्ल्यू इक्वल जी एन, ठीक है, ये कंडीशन जी इक्वल जी डब्ल्यू इक्वल जी एन, यहाँ पर टाइम लिख दीजिए, यहाँ ग्रोथ लिख दीजिए, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम विथ फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो जब आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम विथ फुल एम्प्लॉयमेंट है उसको हम स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। हैरोड ने केन्सियन स्टैटिक फ्रेमवर्क को जिसमें आउटपुट डिमांड डिटरमिन है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी है उसे डायनेमिक फ्रेमवर्क में भी शो किया है, ठीक है। तो इस केस में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है, विथ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओवर द पीरियड यू विल बी हैविंग अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली हैपनिंग इन द इकोनॉमी। ये कंडीशन हमें इस फॉर्म में मिलता है, ये क्या है, ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड इक्वल ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट, जिसको कह सकते हैं ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू ग्रोथ इन एग्रीगेट सप्लाई। सो जो एग्रीगेट डिमांड का ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी में आज इकोनॉमी प्रोग्रेस वो इक्वल हो रहा है ग्रोथ इन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अगर ये कंडीशन नेस देन ग्रोथ इन नेबर फोर्स है, ठीक है, तो इकोनॉमी में नेबर फोर्स का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है कैपेसिटी ग्रोथ रेट से, तो सम वर्क आर नॉट गेटिंग वर्क इन द इकोनॉमी, उसको वर्क नहीं मिल रहा है क्योंकि इनफ कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी में नहीं है, तो आपके इकोनॉमी में अंडर इम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसे हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं, जी इक्वल जी डब्ल्यू स्टेबल ग्रोथ रेट है, ये आपका जी एन है मैक्सिमम ग्रोथ रेट पॉसिबल इन इकोनॉमी, तो स्टेबल ग्रोथ रेट विद अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमें मिला है, ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड इक्वल ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, तो हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, बट देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट इन एवरी पीरियड इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग, ओके, तो देयर इज अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इवन दो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो केन्सियन स्टैटिक फ्रेमवर्क को हैरोट ने डायनेमिक फ्रेमवर्क में प्रेजेंट इस तरह किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्यों इस कंडीशन को स्टेडी स्टेट कंडीशन को नाई फेज इक्विलिब्रियम बनते हैं। नाई फेज इक्विलिब्रियम बनने का मतलब क्या है कि ये कंडीशन अगर अचीव हो जाता है तभी हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये बाय चांस ही मिल सकता है इकोनॉमी में, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अचीव ये नहीं कर पाएगा अगर वहाँ पे डेविएशन कुछ होता है तो, ठीक है, तो डेविएशन एस्पेक्ट देखते हैं। देखिए जी कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू नेस देन जी डब्ल्यू, ये केस होता है, ठीक है, जी इक्वल जी डब्ल्यू केस अभी हमने डिस्कस किया जहाँ पे ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड इक्वल ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट, ठीक है, आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो फुल इम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है जहाँ पे आपको नॉर्मल स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कहते हैं जिसको, और अंडर इम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ठीक है। अब जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू देखते हैं, ये डिस्कस करें इसके पहले इक्वेशन को समझिए, जी क्या है, सेविंग रेट डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, जी डब्ल्यू क्या है, सेविंग ओवर रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जी इंटू सी इक्वन एस, जी डब्ल्यू इंटू सी आर इक्वन टू एस, ठीक है। सेविंग रेट सपोज 20% है
0.20, मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 20 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी सेविंग 20 होगा क्योंकि एस टर्म सेम है, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन देता हूँ आपको, ये कंडीशन जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, जी क्या है मेरा एस ओवर सी, ठीक है, सेविंग रेट डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो ग्रेटर देन सेविंग ओवर रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो सेविंग रेट दोनों में सेम है, अगर ये टर्म ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब सी मेरा नेस देन सी आर होगा, एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो मस्ट बी नेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो, वही मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा सेविंग 20% है, ठीक है, जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू ले रहे हैं, तो इसको 4 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, यहाँ पे जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू ये है, तो इक्वनिटी होन करने के लिए मैं एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो 20 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है, तभी इक्वनिटी होन करेगा। इसका मतलब यह हुआ, अगर जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू है, इफ़ जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू देन सी मस्ट बी नेस देन सी आर, ठीक है। ये सिंपल वे में भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, अगर 3 ग्रेटर देन 2 है देन 1/3 मस्ट बी नेस देन 1/2, ठीक है, बस वही मैंने किया है, ओके। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा, आप समझते हैं इस चीज़ को। पहला केस, जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू इम्प्लाइज सी नेस देन सी आर, ठीक है। अगर आपका ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट और ग्रोथ इन एग्रीगेट सप्लाई आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट इन एवरी पीरियड, ठीक है। तो इकोनॉमी विन एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सो इकोनॉमी विन एक्सपीरियंस सेकुलर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है, जो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी में वो शॉर्ट है रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक का, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, वही शो कर रहा है ये कंडीशन। एक्चुअल कैपिटल स्टॉक शॉर्ट है रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक से, ठीक है, इस कारण से इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग सेकुलर इन्फ्लेशन, ओके। सेकेंड केस देखते हैं, जी नेस देन जी डब्ल्यू इम्प्लाइज सी ग्रेटर देन सी आर, ठीक है। इस केस में क्या है, ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड इज नेस देन ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट, ठीक है। इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, कारण क्या है ओवर प्रोडक्शन का, एक्चुअल कैपिटल इन मोर देन रिक्वायर्ड कैपिटल, ठीक है। जब एक्चुअल कैपिटल इज मोर देन रिक्वायर्ड कैपिटल, सो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोड्यूसर को प्राइस एवरी पीरियड रिड्यूस करना होगा, ठीक है। सो इकोनॉमी विन एक्सपीरियंस डिफ्लेशन, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोसेस, तो जब इस कंडीशन हर एक पीरियड पे प्रिवेंट करेगा, तो इकोनॉमी विन एक्सपीरियंस सेकुलर डिफ्लेशनरी सिचुएशन, ठीक है। और इकोनॉमी में कोई मैकेनिज्म नहीं है, अगर आप देखिएगा जी ग्रेटर देन नेस देन जी डब्ल्यू अगर देखते हैं, तो इसका मतलब कि एस ओवर सी ग्रेटर देन नेस देन एस ओवर सी आर, सेविंग रेट गिवेन है, ठीक है, पॉलिसी डिटरमिन है, कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, अगर डेविएशन होता है जी का डी डब्ल्यू से, तो विद इन द मॉडर्न आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इक्वनिटी साइन हम ना सके, ठीक है। तो विद इन द मॉडर्न हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे इक्वनिटी, ठीक है। इसलिए जो इक्विलिब्रियम हमें मिला है हैरोल्ड मॉडल में, उसे नाइफ एज इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ये कंडीशन जो है इसे नाइफ एज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर डेविएशन होता है जी ग्रेटर देन या नेस देन होता है, विद इन द मॉडर्न कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है जो हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, ये इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हैरोड मॉडल में, असिमिलरली डोमो मॉडल में भी, जो हम बाद में करेंगे,
ठीक है। सेकेंडरी फैक्टर जो है मेरा वो है नेचुरल ग्रोथ रेट। तो प्राइमरी फैक्टर जो नाइफ एज इक्विलिब्रियम बताता है वो है जी डेविएट करे जी डब्ल्यू से, जो हमने देखा। जी एन के बारे में देखते हैं, ठीक है। जब नेचुरल ग्रोथ रेट ग्रेटर देन वांटेड ग्रोथ रेट होगा, इसका मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हमने नैरो डाउन कर दिया है, इज मोर देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी आउटपुट, ठीक है। जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी आउटपुट, तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में एडिशनल वर्कर है जिसे मशीन नहीं है वर्क करने के लिए, ठीक है। इस वे में समझिए, सपोज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपका है इकोनॉमी में हो गया है 44, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी कैपिटल स्टॉक का जो हुआ है वो 20 है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको एक एग्जांपल के थ्रू, एक यूनिट कैपिटल के लिए आपको दो यूनिट लेबर चाहिए, तो 20 यूनिट कैपिटल के लिए आप 40 वर्कर को ही इम्प्लॉय कर सकते हैं, तो 4 वर्कर आपका अनएम्प्लॉयड रहेगा हर एक पीरियड में, ठीक है। सो इकोनॉमी विन एक्सपीरियंस हाई अनएम्प्लॉयमेंट एवरी पीरियड, ठीक है। एवरी पीरियड आपका ये कंडीशन प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जब आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी आउटपुट, इसका मींस क्या हुआ कि इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक इज शॉर्ट ऑफ योर रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक। रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक ज़्यादा है क्योंकि आपको एडिशनल वर्कर को वर्क देना है, ठीक है। सिंस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी आउटपुट, ठीक है, इस केस में ग्रोथ इन डिमांड विल बी मोर देन ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट। ये कंडीशन ऑटोमेटिकली आपका ये कंडीशन सिग्निफाई करता है, तो आप दोनों वे में देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी आउटपुट, ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैपेसिटी आउटपुट का ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, इकोनॉमी विन एक्सपीरियंस अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एवरी पीरियड, ठीक है। कारण क्या है, एक्चुअल कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी में शॉर्ट कर रहा है रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक्स, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस किस वे में देख सकते हैं, जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी आउटपुट से, ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और इकोनॉमी में सप्लाई कम रहेगा, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। नेक्स्ट, यहाँ भी कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। जी एन इज नेस देन जी डब्ल्यू, रिमेंबर जी एन इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट पॉसिबल इन द इकोनॉमी, इम्प्लाइज जी इज नेस देन जी डब्ल्यू। जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नेस देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी आउटपुट, तो इकोनॉमी में जो भी वर्कर है वो तो इम्प्लॉयड हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेस है आपका कैपेसिटी आउटपुट से, ठीक है। सपोज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका हो गया 40, इकोनॉमी में कैपेसिटी है 20 यूनिट ऑफ कैपिटल का, से 22 यूनिट ऑफ कैपिटल का, ठीक है, बेटर। तो हर एक यूनिट कैपिटल के लिए आपको दो नेबर फोर्स चाहिए, ठीक है, तो 40 यूनिट ऑफ नेबर 20 यूनिट ऑफ कैपिटल ही यूज करेगा, ठीक है। तो नेबर का तो फुल इम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, लेकिन दो यूनिट जो कैपिटल बच रहा है आउट ऑफ 22, ठीक है, वो क्या हो गया, वो आइडियन कैपेसिटी हो गया, आइडियन और स्पेयर कैपेसिटी, ठीक है। सो इकोनॉमी विन हैव फुल इम्प्लॉयमेंट बट द फर्म विन हैव स्पेयर कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्चुअल कैपिटल स्टॉक इज मोर देन रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रोथ इन डिमांड इज नेस देन योर ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट, जैसे ही आपका कैपेसिटी जो है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से डिटरमाइन हो रहा है उस सीलिंग को हिट करेगा, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन इज दैट, लुक एट दिस कंडीशन, ठीक है, ग्रोथ इन डिमांड इज नेस देन ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट। तो ओवर प्रोडक्शन के कारण, ठीक है, इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी सिचुएशन होगा, प्रोड्यूसर विन वांट टू रिड्यूस प्रोडक्शन, ठीक है, इकोनॉमी विन एक्सपीरियंस रिसेशन, देन अगेन पिकअप, ओके, अगेन हिट द सीलिंग,
अगेन देयर विल बी अ डिफरेंशिएशन ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन. सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. यहाँ भी आपका क्या रहेगा, इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ साइकिल. ठीक है, जहाँ पे अगेन इक्विलिब्रियम नॉन रन इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा ऑटोमेटिकली. ओके, नाउ पॉलिसी मेकर को इंट्रोड्यूस करते हैं. जब आपका ये तो हो गया आपका कि क्या कारण है इकोनॉमी में हैरोड मॉडल में. ठीक है, कि अगर आपका डेविएशन होता है जी का जी डब्ल्यू से और जी डब्ल्यू का जी एन से, ठीक है, अगर ये डेविएशन होता है तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली आपको नॉन रन इक्विलिब्रियम अचीव करता है कि नहीं करता. इस मॉडल में हमने देखा कि कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स है, उसके कारण क्या होता है कि अगर डेविएशन होता है इकोनॉमी विन मूव फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम अगर जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू है. ठीक है, जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू केस होता है आपका, तो इकोनॉमी क्या होता है मूव फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम होता है. इकोनॉमी विन हैव इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन एवरी पीरियड. ठीक है, ये आपका केस होता है जहाँ पर जी एन इज ग्रेटर देन जी डब्ल्यू. सेकेंड केस देखा हमने जी नेस देन जी डब्ल्यू. ठीक है, जहाँ पर इकोनॉमी का ओवर प्रोडक्शन होता है तो इकोनॉमी विन एक्सपीरियंस सेकुलर डिफरेंशियल सिचुएशन. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी आउटपुट. ठीक है, तो इस दोनों केस में कोई मैकेनिज्म नहीं है विद इन द पॉलिसी सो दैट वी कैन अचीव स्टेडी स्टेट नॉन रन इक्विलिब्रियम. जब इकोनॉमी में हम नेक्स्ट रोन ऑफ सेविंग देखते हैं. ठीक है, रोन ऑफ सेविंग, अच्छा यहाँ पे देखते हैं. तो सेविंग का रोन क्या है, एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है एस ओवर सी, कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट है. तो सेविंग इंक्रीज करके हम एक्चुअल ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी परमानेंटली इंक्रीज कर सकते हैं हैरोड मॉडल में. ठीक है, हैरोड मॉडल में जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड इन मोर देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी आउटपुट, तो आपका एक्चुअल कैपिटल स्टॉक फॉन शॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक. ठीक है, तो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक किस तरह से इंक्रीज होगा. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक. इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू होता है, सेविंग के थ्रू होता है. तो इकोनॉमी में सेविंग इंक्रीज करके, ठीक है, एक्चुअल कैपिटल स्टॉक इंक्रीज किया जा सकता है. तो ये सिचुएशन जो है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड मोर देन इंक्रीज इन कैपेसिटी आउटपुट, ठीक है, जो हमारा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को शो करता है. ठीक है, सो इन दिस केस वे इकोनॉमी हैव इन्फ्लेशनरी ट्रेंड. ठीक है, इंक्रीज इन सेविंग गुड फॉर इकोनॉमी और वर्सू फॉर इकोनॉमी. ठीक है, सेकेंड केस जी नेस देन जी डब्ल्यू इम्प्लाइज सी इज ग्रेटर देन सी आर, जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड नेस देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी आउटपुट. ठीक है, इस केस में क्या होता है, एक्चुअल कैपिटल स्टॉक ज़्यादा इकोनॉमी में रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक से. ओके, सो इंक्रीजिंग सेविंग ओके इज बैड फॉर इकोनॉमी और वाइज फॉर इकोनॉमी, क्योंकि ज़्यादा सेविंग इंक्रीज होगा तो मोर एडिशन कैपिटल स्टॉक आएगा, एक्चुअल कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा जो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी विन एक्सपीरियंस एवरी पीरियड ओवर प्रोडक्शन डिफरेंशियल सिचुएशन विच इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी. ठीक है, सोनो मॉडल में हमने जो किया है, ठीक है, उसमें देखा है कि सोनो ने कैपिटल आउटपुट रेशियो को इंडोजिनस किया है. ठीक है, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जो इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है आपका हैरोड मॉडल में, वो सोनो ने सॉल्व किया है कैपिटल आउटपुट रेशियो को इंडोजिनस ने किया. किस तरह से इंडोजिनस किया है, तो सोनो ने न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन कंसिडर किया है. ठीक है, जिसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसे पॉजिटिव एंड डिमिनिशिंग रिटर्न अचीव होता है. इट फैक्टर हैज पॉजिटिव एंड डिमिनिशिंग रिटर्न. जैसे मैंने नेबर को कांस्टेंट रखा है तो कैपिटल को इंक्रीज कर रहा हूँ. सपोज वन फर्स्ट फ्रॉम जीरो टू वन कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आपका जो होगा, ठीक है, वो सिक्स है. सपोज सेकेंड यूनिट ऑफ कैपिटल प्रोड्यूस फाइव यूनिट ऑफ आउटपुट, थर्ड यूनिट ऑफ कैपिटल प्रोड्यूस थ्री यूनिट ऑफ आउटपुट, फोर यूनिट ऑफ कैपिटल प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कब, सिक्स इलेवन फोर्टीन फिफ्टीन. ठीक है, तो पॉजिटिव एंड डिमिनिशिंग रेट, इस एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल एडेड पॉजिटिवली बट ए डिमिनिशिंग रेट. ठीक है, इसको अल्टरनेटिव वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस. ठीक है, इसलिए आपका डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है. ओके, जब जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू है हैरोड मॉडल में,
तो जी बाय डेफिनेशन इज सेविंग डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो ग्रेटर देन एस ओवर सी आर। तो सोनू ने बोला कि ये जो केस है वेयर जी इज ग्रेटर देन जी आर, इसमें सी इज लेस देन सी आर, ठीक है, एक्चुअल कैपिटल स्टॉक इज लेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक, बोथ केस में सेविंग सेम हो रहा है, ठीक है। कारण क्या है सेविंग सेम होने का, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स है, इसके कारण हमारा इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब इंडोजिनस करके सोनू ने कैपिटल आउटपुट रेशियो को इंडोजिनस करके और इसको बता के कि पॉजिटिव एंड डिमिनिशिंग रिटर्न शो करके, ठीक है, दिखाया कि प्रोडक्शन फंक्शन विन बी ऑफ दिस फॉर्म इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। पर वर्कर के टर्म पे आप लिखिएगा यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो, आउटपुट लेबर रेशियो, प्रोडक्शन फंक्शन पर वर्कर टर्म इस तरह से लिखा जाएगा, ये डेप्रिसिएशन 9 है, ठीक है। सपोज सेविंग रेट आपका एस वन है, बेस्ड ऑन दिस सेविंग रेट इन्वेस्टमेंट पर वर्कर 9 ये आपका हो गया एस वन एफ ऑफ के, ठीक है, ये आपका स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक हो गया सोनू मॉडल में, ये आउटपुट पर वर्कर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया सोनू मॉडल में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा जब सेविंग एस वन है, ठीक है, ये कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया, किस तरह से ये कैपिटल लेबर रेशियो है और ये आउटपुट लेबर रेशियो है, ठीक है, लेबर लेबर कैंसिल कर दीजिए तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू सेविंग रेट एस वन, ठीक है। अगर मेरा सेविंग रेट इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट पर वर्क का शेड्यूल शिफ्ट अप होगा, एस टू इज ग्रेटर देन एस वन, तो वो आपका क्या होगा जो स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक है के वन स्टार से के टू स्टार होगा, ठीक है, आउटपुट भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, वाई वन स्टार से वाई टू स्टार। तो क्या देख रहे हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, और हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो में आपका हायर सेविंग रेट है, ठीक है। जब आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो हायर है तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्रेटर देन सेवन इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पे सेविंग रेट क्योंकि कैपिटल नेस है तो सेविंग रेट नेस होगा, तो ये भी साइन रिड्यूस होगा। तो इस तरह से आप इनस्टेबिलिटी रिमूव करते हैं हेडोट मॉडल से, ठीक है। ये मॉडल जब मैं सोनू मॉडल करूँगा कि नहीं है, जो लोगों ने किया है उसके लिए मैंने यहाँ पे ये प्रेजेंट कर दिया। अगर आप आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू पीपल, थैंक यू।